हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आपको पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। जो 2017 मेंस में क्वेश्चंस आए थे उनको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। दो पेपर मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। आज 19 फेब को जो पेपर हुआ था उसको हम लोग सोल्व करेंगे। जैसा आप लोगों को पता है, ऑफलाइन अगर किसी को पढ़ना है तो मैं मदर्स एजुकेशन हब जयपुर में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पर ऑफलाइन मैं पढ़ाता हूँ। और इसमें आपके दो टेस्ट भी होते हैं और कंप्लीट आपको मटेरियल भी मिलता है। और आपका जो ऑनलाइन मैं पढ़ाता हूँ अनअकेडमी प्लस पर, तो जो जहाँ भी मुझसे पढ़ना चाहे, जैसे अनअकेडमी अगर प्लस पर कोई पढ़ना चाहे तो मेरे चैनल का नाम वहाँ पर रेफरल कोड मांगता है। तो चैनल का नाम जैसे लगाओगे मैथ्स विद पवन राव, तो आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग वहाँ पर ज्वाइन करो, पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर भी, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जल्दी कोर्स करना चाहता है और ज्वाइन करे कोई भी, तो वो वहाँ पर 10% डिस्काउंट ले सकता है अगर कोई चाहे तो। नहीं तो यहाँ पर तो हम लोग हैं ही। देखिए, हम लोग 19 फेब का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। और मैंने जैसे पिछले दो लेसन में भी आप लोगों को बताया कि कितना आसान है, वो आप लोग खुद चेक करना। जब तक बेसिक क्लियर होगा आप लोग आसानी से कर पाओगे, बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर आप लोग नहीं कर पाओगे। तो बेसिक के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन है अपने पास cos 7a प्लस आगे लिखा हुआ है cos 5a अपॉन, नीचे लिखा हुआ है sin 7a माइनस sin 5a, और ऑप्शन है ए बी सी और डी। 10a, 10 4a, कोट ए और कोट 4a। अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक आता है, एक स्टेप में अपना आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए आप लोग, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, और मैंने पहले भी कहा है तब तक आप लोग इनको नहीं लगा पाओगे जब तक इनके इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग नहीं करोगे। तो ये है 2 sin 2 cos 6a cos a अपॉन साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c + d/2 6a sin a, कट गया, कोट है, आंसर आ गया। तो बेसिक से भी जब वैल्यू पुट करने की आप लोग सोचोगे तो कोई रखेगा, यहाँ पर 30 डिग्री रख लो तो 30 डिग्री से अपने पास आंसर आ जाएगा, है ना। 30 जैसे जब 5 7 ऐसे आ जाए ना, तो 5 थीटा या 60 थीटा आप लोग एक ही जगह 60 ले सकते हो या एक ही जगह 30 ले सकते हो। वैल्यू पुट करोगे, सोल्व करते चलोगे, अपना आंसर आ जाएगा। जहाँ भी ऐसे आ जाए कि 5, जब आप लोगों को थीटा, किसी स्टूडेंट को ऐसे रहता है कि सर थीटा की वैल्यू ही पुट करूँ मैं, है ना, कुछ लोग ऐसे ही करता है। तो थीटा की वैल्यू है तो 30 डिग्री आप लोग पुट कर लेना, या कितने डिग्री रख लेना, 60 डिग्री। कब, जब 3 थीटा 5 थीटा 7 थीटा ऐसे आ जाए और कुछ भी समझ में नहीं आए, कुछ भी समझ में नहीं आए, तो आप लोग इस प्रकार से वैल्यू पुट कर लीजिए। बस ये ध्यान रखना कि थीटा की वैल्यू पुट करते ही इनफाइनाइट नहीं बन जाए कोई ऑप्शन, ये भी आप लोगों को साथ चेक करना पड़ेगा। वो थीटा की वैल्यू पुट करना मैंने अभी नहीं सिखाया, मैं आपको सिखाऊंगा। अभी तक वो क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आए हुए क्वेश्चंस में अगर कभी आप लोगों को करना पड़े तो मैं बता देता हूँ, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 60 डिग्री या 45 डिग्री, जो भी अपने पास हो वो आप लोग पुट कर लो, सोल्व कर लो, तो भी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, और वैसे भी बेसिक से भी देखो एक स्टेप में आपका आंसर आ रहा है, लेकिन ये बेसिक आप तब लगा पाओगे जब इन पर बेस्ड क्वेश्चंस खुद अपने हाथ से करोगे, सिर्फ देखने से नहीं होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, इसमें लिखा हुआ है 1 - sin a 90 - 2a अपॉन 1 + sin 90 + 2a, और ऑप्शन जो अपने पास ए ऑप्शन है साइन ए कोस ए, बी ऑप्शन जो अपने पास वो है कोट स्क्वायर ए, सी ऑप्शन है टेन स्क्वायर ए, डी ऑप्शन है sin 2a cos a। तो पहला जो ऑप्शन होगा अपने पास, आसान सा क्वेश्चन, एकदम आसान, ये तो क्वेश्चन था जो मैंने लिखा है, इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ, इधर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, इधर सोल्व कर देता हूँ। तो हमारे पास पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या होगा, sin 90 - थीटा, तो क्या होगा cos 2a अपॉन sin 90 + 2a, तो क्या होगा cos 2a। साइन चेंज हो जाता है 90 पर, 90 पर साइन चेंज हो जाएगा और cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला cos स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर है, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस का, ये प्लस का। इसकी वैल्यू कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। वन माइनस कोस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर और एक कोस स्क्वायर है तो ऊपर तो आ गया टू साइन स्क्वायर है और नीचे आ गया टू कोस स्क्वायर है, टू से टू कट गया तो क्या अपना आंसर टेन स्क्वायर ए आ गया है। क्या आया हुआ क्वेश्चन है, ये पहले भी आया हुआ है तो ये अपने पास आंसर आ गया, ये अपना आंसर है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो सोल आप लोगों को सोचना है, क्वेश्चन के तरीके कितने भी हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, पहला तरीका। दूसरा तरीका इसमें क्या हो सकता है, तो आंसर क्या आ गया अपने पास टेन स्क्वायर ए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए पहला तरीका आप लोगों ने लिख लिया होगा, दूसरा तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का हो सकता है, ए की कुछ कोई भी मान रख दो, जैसे ए की वैल्यू रख दोगे 30 डिग्री, ए की वैल्यू 30 डिग्री रख दी तो ये आ गया 1 माइनस साइन 30। साइन 30 कैसे है, 30 60, 90 में से 60 माइनस करोगे तो 30 अपॉन 1 प्लस साइन 30। 60 रखोगे, 30 रखोगे 60 और 150 150। ध्यान देना यहाँ 30 गुना 2 60 रखा, 90 150 आ गया तो ये 1 माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1 प्लस साइन 150, साइन 150 की वैल्यू भी 1/2। समझ पा रहे हो ना आप लोग, कैसे है 1/2, ये साइन 150 को 90 प्लस 60 लिख सकते हैं तो ये आएगा कोस 60, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और कोस 60 की वैल्यू 1/2 तो ऊपर तो आ गया 1/2, नीचे 3/2, 2 से 2 कट गया 1/3। अब कौन से ऑप्शन में 30 डिग्री रखने पर 1/3 आ रहा है चेक करेंगे, इसमें रखने पर आ रहा है क्या, नहीं आएगा 1/2 और √3/2, ये तो √3/4 आ रहा है, इसमें रखेंगे इसकी वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। 30 डिग्री रखोगे तो 1/√3, स्क्वायर करोगे तो 1/3 आ गया, इसका मतलब ये अपना आंसर एकदम ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप लोग सोल्व करोगे तो दूसरा तरीका, आप लोगों को क्वेश्चन अगर नहीं भी आता तो भी आप लोग सोल्व कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन, थीटा की वैल्यू पुट करो सोल्व करो आंसर आ जाएगा। फिर समझाता हूँ, देखो कॉस 2 थीटा का तीसरा तरीका क्या हो सकता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। और ये जो अपने पास है इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2a और 1 प्लस कॉस 2a, ये है। तो आप एक काम करो दोनों को पलट दो, 1 अपॉन कॉस 2 थीटा क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप एक काम करो यहां सी एन डी लगा दो, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि इसमें कोस 2a है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है और इसमें सी एन डी लगा दो तो ये क्या होगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कोस 2 थीटा और ये होगा 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। हमें इससे उल्टे की वैल्यू चाहिए तो दोनों को पलट दोगे, इसको भी पलट, थीटा की जगह यहाँ ए है बस इतना चेंज है तो आंसर कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, ये अपना आंसर होगा। तो तीन तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, जिससे चाहो उससे आप लोग कर सकते हो, लेकिन अभी तो तीनों तरीके लिखना और तीनों पर आप थोड़ा सा काम करना। मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं ये नहीं समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन आप कितना फास्ट कर सकते हो, कर करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन में ऐसे ऐसे अप्रोच आप लगा सकते हो। तो ये तीन अप्रोच आप लगा सकते थे क्वेश्चन को अगर सोल्व करना चाहते तो आगे चलते हैं। ये था दो नंबर क्वेश्चन जिसके तीन तरीके मैंने बताए। अगला देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर तीन, तीन नंबर में लिखा हुआ है साइन 75 प्लस साइन 15। अब इसकी तो आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, साइन सी प्लस साइन डी दिया हुआ है तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 तो 45 साइन सी प्लस डी, दोनों को ऐड करके 2 का भाग, कोस सी माइनस डी बाई 2 कोस 30 डिग्री, माइनस करोगे 60 में 2 का भाग 30। साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट गया तो √3/√2 आंसर आ गया, ये अपना ऑप्शन में भी है।
तो सी और डी अगर पता होते तो क्वेश्चन एकदम आसानी से सोल्व हो जाता, सी ऑप्शन है ये। नहीं तो आप लोग यहाँ 45 की वैल्यू निकालोगे, 15 की वैल्यू निकालोगे, फिर उसको सोल्व कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 4 नंबर क्वेश्चन, यहां पर कॉस 2 थीटा प्लस 2 कॉस 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा अपॉन, पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके लिए, cos थीटा 2 cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस sin 2 थीटा 10 3 थीटा। ऑप्शन जो दिए हुए हैं देखना, cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, 10 2 थीटा, cot θ × sin 2 थीटा। समझना आप लोग, ये ध्यान रखना आप लोग, ये जो क्वेश्चन है ये आपको नहीं आता, ये जो क्वेश्चन है ये आपको नहीं आता एग्जाम में, तो कैसे करोगे आप? जब क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो क्या करना है, जब मैंने समझाया आपको, जब क्वेश्चन नहीं आए तो मैं ऐसे ऐसे तरीका आपको बता दूंगा कि आप बिना क्वेश्चन, मतलब अगर तरीका नहीं आ रहा है तो भी आपका आंसर तो आ जाएगा 100% ठीक है। समझ पा रहे हो ना आप लोग मैंने क्या समझाया? मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि थीटा का जो मान है, जब भी 5 थीटा 7 थीटा ऐसे आ जाए तो थीटा की वैल्यू या तो 30 डिग्री रखेंगे या थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख दो, अपना आंसर आ जाएगा, या 45 रख लो। यहाँ ध्यान रखना, पहले सोचना उस क्वेश्चन को, जब थीटा की वैल्यू कहीं 30 डिग्री रखने पर इनफाइनाइट तो नहीं बन रहा है, 30 रखा 60, 300, 30 रखा 150, 210, ये तो ठीक है। यहाँ 30 रखोगे तो 1090 बन जाएगा, 1090 का इनफाइनाइट बन जाएगा क्या? तो इनफाइनाइट से आपको बचना है, और इस पर बेस्ड मैंने अभी क्वेश्चंस करवाने शुरू नहीं किए हैं, वैल्यू पुट करने वाली अप्रोच अभी नहीं बताई है, लेकिन मैं बता देता हूँ एक बार आपको, बाद में मैं बताऊंगा अभी कि कहीं इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, वो मान आप नहीं रख सकते, तो पहले ही एक बार चेक कर सकते हैं। तो 30 डिग्री नहीं रख सकते तो 60 रख लो इसमें, तो 60 रखोगे तो ये आ जाएगा cos 120, यहाँ रखोगे cos 300, यहाँ रखोगे cos 420। क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा तब कर रहे हम लोग, बाकी मेथड तो मैं सिखाता हूँ, ये तो आपको पता है, बेसिक तो मैं सिखा ही रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आप लोग कैसे कर सकते हो वो मैं बता रहा हूँ, जिसमें आप थोड़ा सा टाइम भी बचा सकते हो। तो ये आएगा cos 60, cos 180, 3 थीटा 180, यहाँ पर आ जाएगा cos 300। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर अपने पास रख दिया है ये cos 3 थीटा है ना, क्वेश्चन में जो गिवन है ये cos 3 थीटा है, cos 5 cos 7 cos 3 ये है, तो यहां पर कितना आ जाएगा अपने पास 180, यहां तो 120 आगे प्लस में आएगा, और tan 180 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 बन गया, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखते ही ये इधर वाला आगे वाला 0 बन गया, कंप्लीट 0 नहीं बना, तो इसको लिख सकते हैं cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव तो -1, इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक बार सोल्व कर देता हूं मैं आपके लिए, cos 270 + 30, इसको लिख सकते हैं cos 360 + 60, एक बार लिख देता हूं ताकि आप लोगों के सही समझ में आए, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकता था, cos 60 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू -1, इसको लिख सकते हैं cos 270 + 30। अब ध्यान देना, -1 270 पर बताओ चेंज होगा क्या, हाँ चेंज होगा, तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये साइन 30 बन जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, कोस पॉजिटिव ही होता है तो प्लस का, इसको लिख सकते हैं cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 अपॉन, ये 1/2 है, ये -2 है, cos 30 ये अपने पास बन जाएगा 270 + 30, चेंज हो गया साइन, और साइन की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो ऊपर तो आ गया अपने पास 2 से 2 कट गया, 1 से 1, ऊपर तो आ गया 1/2, और नीचे आ गया 1 में से -1, तो -1/2 आ गया। तो कौन से ऑप्शन में रखने पर -1/2 आ रहा है वो चेक कर लो, वो अपना आंसर आ जाएगा, cos 2 थीटा, cos 120, और cos 120 की वैल्यू -1/2 ही होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये अपना आंसर है।
120 इसकी भी नहीं आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये भी नहीं आएगा अपने पास 120 की वैल्यू, ये नहीं होती माइनस एक बटे दो, ये भी नहीं होगी, तो ये अपना आंसर आ जाएगा कोस 2 थीटा। ये आप लोग ध्यान रखना, ऐसे कर सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे करोगे वो चीज़ मैं सिखा देता हूँ, वो आपको आनी चाहिए। तो वैल्यू पुट, जब भी अपने पास 5-7 ऐसे थीटा आ जाए तो थीटा की वैल्यू जो आप लोग ऐसे पुट कर लोगे 30 डिग्री या 60 डिग्री। अब मैं बेसिक तरीके से आप लोगों को करवा देता हूं क्वेश्चन। कॉस 3 थीटा प्लस 2 कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा अपॉन में अपने पास लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस 2 कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा और आगे ये भी है साइन 2 थीटा प्लस टेन 3 थीटा। ठीक है, ध्यान दो, हम लोग यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर ये जो दोनों हैं और यहाँ पर सी और डी लगाएंगे तो लिखेंगे 2 कोस सी प्लस डी बाई टू तो 5 थीटा और कोस सी माइनस डी बाई टू कोस थीटा 2 कोस 5 थीटा। अपोन में जो है ये इन दोनों में लगाओगे सी और डी तो कोस 2 कोस 3 थीटा, 5 और 1 6 में 2 का भाग, 5 में से 2 तो कोस 2 थीटा प्लस 2 कोस 3 थीटा। आगे चली रहे साइन 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा अपॉन कोस 5 थीटा, ये तो चली रहा है साइन 5 नहीं कोस 3 है ना, साइन 3 अपॉन कोस 3। अब देखिए आप लोग यहां से ऊपर से कॉमन आ रहा है 2 कोस 5 थीटा तो अंदर बचेगा कोस 2 थीटा प्लस 1 और यहां से आ रहा है 2 कोस 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा आ रहा है ना, तो अंदर क्या बचेगा cos 2 थीटा प्लस 1, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा तो ऊपर बचा cos 5 थीटा और इधर बचेगा 2 sin। बेसिक तरीका मैं समझा रहा हूं, बाकी आप लोगों को मैं तरीका समझा चुका हूं कि एग्जाम में आप लोग कैसे करोगे ये चीज मैं बता चुका हूं, लेकिन मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन सोल्व करके नहीं दिखाना कि ऐसे थीटा की वैल्यू पुट करके कर सकते हो, मुझे इसका बेसिक भी समझाना है कि कैसे कर पाए। यहां भी cos 3 थीटा है, यहां भी cos 3 थीटा है, ऊपर है cos 5 थीटा तो एलसीएम तो आ गया कोस 3 थीटा, दोनों जगह है। कोस 5 को कोस 3 प्लस 2 लिख सकते हैं क्योंकि यहां 3 प्लस 2 है, तो कोस 5 को कोस 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं। और बताओ कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए, इसका फॉर्मूला जो होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये तो इसका फॉर्मूला हुआ और आगे ये अपने पास है ही तो ये जो ऊपर आएगा ये इससे कट जाएगा, समझ पा रहे हो ना, आगे स्टेप में नहीं बढ़ा रहा हूँ, ये इससे कट जाएगा कॉस 3 थीटा से कॉस 3 थीटा कट जाएगा और आंसर कितना आ गया कॉस 2 थीटा, ये अपना आंसर है। यहाँ से कंप्लीट एलसीएम लेकर नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर एलसीएम लेकर कॉस 3 थीटा तो कॉस ए प्लस बी कॉस 5 थीटा को कॉस 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिखोगे तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस 3 थीटा कोस 2 थीटा माइनस साइन 3 थीटा साइन 2 थीटा और आगे ये तो है ही साइन 2 थीटा और कोस 3 साइन 3 थीटा तो इससे ये कट गया कोस 3 से कोस 3 और कोस 2 बच गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन थीटा की वैल्यू आप लोग अगर पुट कर लोगे तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा, जो आप लोग करने की कोशिश करना। तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन अपने पास, जिसमें लिखा हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन में 2 साइन 45 प्लस थीटा, ये लिखा हुआ है साइन 45 माइनस थीटा अपॉन लिखा हुआ है कोस 2 थीटा और ए बी सी, पहले क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए, 0 टेन 2 थीटा कोट 2 थीटा और 1, ये अपना क्वेश्चन है। तो आपके पास जैसे ही क्वेश्चन आया है साइन साइन अगर कभी इनटू में है और साथ 2 भी लगा हुआ है, साइन साइन इनटू में है और साथ अगर 2 भी लगा हुआ है तो आप लोग ये बात ध्यान रखना, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा माइनस कोस, पहले तो दोनों को ऐड करो, आप लोग ऐड करोगे तो 90 प्लस, दोनों को प्लस माइनस करोगे, माइनस करोगे तो कोस 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा तो इसकी वैल्यू तो 0, आंसर आ गया 1, ये अपना आंसर है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक, अगर आपको पता है ना 2 साइन एक्स साइन वाई बराबर होता है माइनस कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई,
तो जब दोनों को हम लोगों ने प्लस किया, थीटा से थीटा कट गया तो 90, और जब हम लोगों ने माइनस किया तो माइनस करोगे तो 45 से 45, और यहाँ पर 2 थीटा आ जाएगा, तो 2 थीटा ऐड होके इसकी वैल्यू 0 हमें पता है, तो आंसर आ गया 1। इतना छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, बाकी आप लोग थीटा की कोई भी वैल्यू भी पुट कर सकते हो, थीटा का जो मान चाहो, जैसे 15 डिग्री आप लोग पुट कर लो, 15 से 60 बन जाएगा, 30 बन जाएगा, दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो 15 से 60 बन जाएगा, 60 की वैल्यू √3/2, 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ 30 बन गया, 30 की वैल्यू √3/2, कट गया 2 से 2, आंसर कितना आ गया 1, ये अपना आंसर। अब 17 मेंस की ट्रिग्नोमेट्री लोगों ने कहा था बहुत टफ आई, बहुत टफ आई, वो क्वेश्चन ऐसे आए थे, देख लो, दो पेपर में पहले करवा चुका हूँ, एक पेपर में ये करवा रहा हूँ, बताओ आप अप्रोच लगा सकते थे या नहीं लगा सकते थे? लेकिन तब लगा सकते थे जब बेसिक क्लियर हो, और बेसिक ही नहीं पता होगा तो फिर आप लोग अप्रोच नहीं लगा पाओगे। थीटा का मान रख के भी मैंने बता दिया है, या ऐसे भी मैंने करवा दिया है। चलो अगला समझाता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में लिखा हुआ है साइन 90 + 2a, साइन 90 + 2a, उसके बाद दिया हुआ हम लोगों को 4 cos² 90 डिग्री -2a, तो यहां पर पहला जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ है 2 cos³ a -sin³ a, बी ऑप्शन लिखा हुआ है 2 cos³ a +sin³ a, सी ऑप्शन लिखा हुआ है 4 cos⁶ +sin⁶ a, डी ऑप्शन लिखा हुआ है 4 cos⁶ a -sin⁶ a, ये लिखे गए हैं, ये अपना क्वेश्चन है और ये अपने पास लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा आंसर होगा ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो कैसे सोल्व कर पाएंगे, ध्यान देना, साइन 90 + 2a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos² 4 cos² 90 -2a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin² sin² 2a, ठीक है ना। अब मुझे बताइए cos² का फॉर्मूला क्या हुआ, तो cos² को तो लिख सकते हैं cos² a -sin² a, और 4 -sin² 2a का फॉर्मूला क्या होगा, 4 sin² a cos² a, 4 कॉमन आ रहा है वहां से, तो 4 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 तो यहां से कॉमन ले लिया, cos² a sin² a, 4 कॉमन ले लिया है, तो यहां से बचा 1 -sin² a, ये बच गया 1 -sin² a और cos² a। यहां पर हम लोगों ने देखा, अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये भी चेक करना पड़ेगा, देखो क्यूब में है सभी ऑप्शन, सभी ऑप्शन किस में है, क्यूब में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस ये तो ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस sin² a cos² a माइनस 2 sin² a cos² a, क्या लिख दिया आपको अजीब लगेगा, लेकिन एक तो ये प्लस कर दिया और एक ये माइनस कर दिया। अब आप लोगों को याद होगा कल की क्लास में मैंने समझाया था ये पॉइंट, आपको याद होगा कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin² थीटा cos² थीटा होता है, ये आपको याद होगा, ये आपको पता होगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin² cos², ये कल की क्लास में मैंने बताया था, अगर याद हो तो इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हो, कोस की पावर 4a cos² a -sin² a, तो ठीक है, इन दोनों की जगह लिख सकते हैं कोस की पावर साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 और प्लस sin² a cos² a, तो ठीक है। अगर आपका थोड़ा बहुत अलजेब्रा पढ़ा हुआ है तो आपको पता लगेगा, ये कोस क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो ये, और इसका क्यूब करोगे तो ये, तो कोस की पावर 6 है, क्यूब करोगे, स्क्वायर है, क्यूब करोगे तो ये आ गया। ध्यान रखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, अलजेब्रा से चीजें आएंगी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ ए और बी की वैल्यू तो है cos² और sin²
तो इसका स्क्वायर करोगे, इसका क्यूब करोगे तो कोस की पावर 6, इसका क्यूब करोगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये क्वेश्चन था, थीटा की वैल्यू पुट करो और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। थीटा की वैल्यू आप लोग कितनी पुट कर सकते हो, 30 डिग्री पुट कर लेना। 30 डिग्री यहाँ रखोगे तो साइन 150 की वैल्यू भी है, 30 डिग्री यहाँ रखोगे तो कोस इसकी वैल्यू भी है। कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर आ रहा है वो आंसर आ जाएगा। तो आप लोग थोड़ी मेहनत आपको खुद को भी करनी है, सब कुछ ऐसे नहीं कि सर आप ही कर दो आप ही कर दो, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है क्वेश्चन को आपको थीटा की वैल्यू पुट करके। इसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जब आंसर आएगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और प्रैक्टिस भी होगी। तो बेसिक मैंने इसका बताया है, थीटा की वैल्यू पुट करके अपने आप करने की कोशिश करो क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और हर पेपर में 7-7 क्वेश्चन आए थे और ये पेपर मैं आप लोगों को इसीलिए सोल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको अभी 2017 मेंस के क्वेश्चन किस अप्रोच पर आए थे वही पता लग जाए, है ना। तो कोस 90 प्लस ए अपॉन सेक 270 माइनस ए। अब बहुत आसान क्वेश्चन भी आए थे, ऐसे नहीं थे कि सारे क्वेश्चन ही लेंदी थे, एक क्वेश्चन लेंदी था बाकी सारे क्वेश्चन आसान थे अगर थोड़ा सा बेसिक आपको पता है तो। और नीचे है कोसेक 630 माइनस ए, ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन अपने आप आ जाएंगे। कोस 90 प्लस ए तो माइनस साइन ए, 90 पर चेंज होगा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस, सेक 270 माइनस ए तो सेक किस में चेंज होगा कोसेक में, कोसेक है लेकिन माइनस का, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट 270 माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का होता तो ये हो गया प्लस। साइन 270 प्लस ए तो अपने पास आएगा कोस है लेकिन माइनस का, कोसेक 630 तो कोसेक 630 को मैंने आपको बताया कि कोसेक जब भी हो 360 से ऊपर हो तो इसको 360 प्लस 270 माइनस ए लिख सकते हैं, तो 360 तो यहाँ से हट ही जाता है, इसको आप लोग कोसेक 270 माइनस ए ही पढ़ना, 360 के बाद तो वापस वही आना शुरू हो जाता है। तो कोसेक ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर है, ये माइनस कोस है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक माइनस का चेंज होकर सेक ए बन जाएगा माइनस का, तो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर ए बच गया, तो आंसर कितना आ गया 1, और ये अपना ऑप्शन में भी है। आप लोग थीटा का कोई भी मान रख के भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग अपने अगले लेसन में पढ़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ और आपको सही लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और आज वीडियो आप लोग शेयर भी करना। ओके, थैंक यू, अगले लेसन में मिलता है।